नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसकेएन एग्रो न्यूज़ के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त संजय। तो दोस्तों, आज हम कर रहे हैं रेंट पे कल्टीवेशन, यानी किराए पर ट्रैक्टर को चला रहे हैं, फसल के अंदर वीड कंट्रोल का कार्य कर रहे हैं। और आज हम गए हैं चित्तौड़गढ़ सिटी के अंदर। ये खेत हैं, बिल्कुल सिटी से टच हैं, और ये तकरीबन 10 एकड़ का ज़मीन है। यहाँ पर 5 एकड़ में ज्वार की फसल है और बाकी 5 एकड़ के अंदर सोयाबीन और मक्का है। तो सोयाबीन को हमने कल्टीवेशन कर दिया है, अब हम मक्का के अंदर कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर दिक्कत ये आ रहा है कि फसल की जो पौधे से पौधे की दूरी है वो काफ़ी ज़्यादा है, और इसमें जो खरपतवार है वो अधिक हैं और काफ़ी बड़ी हो चुकी है। यानी फसल 25 दिन के आसपास की हो चुकी है और इसके अंदर पहली बार किसान भाई कल्टीवेशन करवा रहे हैं। तो इसमें दिक्कत ये आ रही कि जो लाइन, जो पौधे की लाइन है फसल की, वो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं इस घास फूस के कारण। तो इसमें स्टीयरिंग को स्टेट में रखना काफ़ी मुश्किल है। बहुत ही सावधानी के साथ यहाँ पर ट्रैक्टर को चलाना हो रहा है, क्योंकि सामने आप देख सकते हैं कि लाइनें नहीं दिख रही हैं, फसल की कतारें नहीं दिख रही हैं। तो यहाँ पर कतार की दूरी और इसको एक समान चलाने में लिए काफ़ी समय लग रहा है। यानी हमें इसको चलाते हुए अभी 4 घंटे हो चुके हैं और तकरीबन हमने इसको 5 एकड़ में कल्टीवेशन किया है। यानी इतनी देर में तो हम 10 एकड़ ज़मीन को कल्टीवेशन कर देते, लेकिन यहाँ पर समस्या है कि आप देख सकते हैं जो पौधे हैं मक्की के, वो काफ़ी दूरी पे हैं और इसमें घास है वो बहुत बड़ी हो चुकी हैं। तो इसमें हमें लाइनें पता नहीं चल रहा है कि कौन सी लाइन किधर है। तो इसमें अगर स्टीयरिंग आउट होता है तो पीछे फसल उकड़ जाती है। अगर फसल उकड़ती है तो कल्टीवेशन का करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हम प्रति बीघा 500 रुपये से कल्टीवेशन कर रहे हैं, यानी 1 एकड़ के 1000 रुपये कल्टीवेशन के ले रहे हैं। तो अगर इसमें हम फसल को उकाड़ देंगे तो किसान को नुकसान हो जाएगा, जो बची खुची फसल है वो भी उकड़ जाएगी। तो यहाँ पर बहुत ही सावधानी के साथ कल्टीवेशन करना पड़ रहा है और इसमें काफ़ी दिक्कत भी आ रही है। घास फूस ज़्यादा होने के कारण पौधे दिखाई नहीं दे रहे हैं और लाइनों का पता नहीं चल रहा है। लेकिन एक फ़ायदा यह है कि अगर कल्टीवेशन नहीं करते हम, तो मान लो इस फसल में काफ़ी ज़्यादा खरपतवार हो जाती है और इसके अंदर वीड कंट्रोल की दवा अगर किसान भाई यूज़ करते तो उसमें फसल में इतना अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता है। और यहाँ पर समय पर बारिश भी नहीं हो रही है इस साल, इसलिए फसल की ग्रोथ भी इतनी अच्छी नहीं है। देखिए, आप 30 दिन की फसल हो चुकी है और अभी पौधे छोटे छोटे हैं। इसकी बुआई के बाद बिल्कुल ही कम पानी इसको मिला है। अगर समय पर इसको पानी मिलता तो फसल बहुत बड़ी हो चुकी होती। और इसमें पौधे की दूरी ज़्यादा होने का कारण ही है कि जब बुआई के समय बिजाई की थी उसके बाद बारिश कम थी, इसमें खेत में नमी कम थी, तो इसमें आधे पौधे तो अंकुरित होके बड़े हो गए और आधे का अंकुरण हुआ ही नहीं, इसलिए इसमें काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया है। तो हम यहाँ पर बहुत ही सावधानी के साथ कल्टीवेटर कर रहे हैं। और देखिए, कल्टीवेटर करने के बाद ऐसा लग रहा है कि इस खेत के अंदर फसल खड़ी हुई है। पहले ऐसा लग रहा था कि यार इसके अंदर तो पूरे घास फूस ही था, इसके अंदर कोई फसल नहीं है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर फसल है। खेत के अंदर दूर से दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो घास फूस है वो सूख गया है, यानी कल्टीवेशन करने के बाद मिट्टी के अंदर दब रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। और ये पूरा फुल वैसा, ये जो हमारा जुगाड़ है, फुल पैसा वसूल जुगाड़ है, और हमने इतना कल्टीवेशन कर दिया है इस साल कि हमारे जो पैसे हैं वो वसूल हैं पूरे। अब ऐसा नहीं लग रहा है कि यार पैसे ज़्यादा लगे हैं, लेकिन हमने जितने भी लागत लगाई हैं वो वसूल कर लिए हैं कल्टीवेशन करके। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। तो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी कुछ खास वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट।